हेलो गाइस, तो गाइस आज के वीडियो में गाइस हम आपको बताएंगे फेसबुक एड्स के कुछ टिप्स। ठीक है, सो ये बहुत ही बेसिक और कॉमन टिप्स होंगे, पर अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मोस्टली जो है आपके अकाउंट डिजेबल के रीजंस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ओके, और इसके साथ साथ गाइस एक वीडियो हमने भी और बनाया था जिसमें हम आपको 10 रीजंस बताए थे जो कि फेसबुक ऐड के जो कॉमन रीजंस होते हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और वो वीडियो और ये वीडियो के अगर पॉइंट्स आप फॉलो करेंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपका चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा कि आपका ऐड अकाउंट डिजेबल्ड हो। ठीक है, तो हम आपको क्विकली बता देते हैं। तो गाइस फेसबुक ऐड के फर्स्ट टिप्स है ऑलवेज पुट अ फोटो एंड करेक्ट डिटेल्स ऑन FB ID सो दैट इट कैन बी रिमूव दी सस्पेंशन एंड ऐड एटलीस्ट 500। इसका मतलब ये होता है कि जब भी फेसबुक आपका अकाउंट जो है डिजेबल करता है, ठीक है, तो उसको रिव्यू करने के लिए आपको एक वेरीफिकेशन प्रोसेस करनी होती है। उस वेरीफिकेशन में फेसबुक आपसे आपका आईडी कार्ड मांगता है जिसमें आपका फ़ोटो होना चाहिए और आपका गवर्नमेंट का वो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होता है, सॉरी, ठीक है, जिसमें आपके फ़ोटो होना चाहिए और आपका नाम सब कुछ मैच होना चाहिए। अब इसमें होता क्या है गाइस, आपको बता देता हूँ। फेसबुक के आजकल जो मोस्टली जो एक फेसबुक का एक रिसेंटली एक पोल आया था जिसमें उन लोगों ने बोला था कि फेसबुक के एड्स के लिए जितने भी आजकल जो अकाउंट्स क्रिएट हो रहे हैं वो 40% फेक अकाउंट्स हो रहे हैं। 40% फेक, इट मीन्स गाइस 60% जो अकाउंट्स है वही वैलिड अकाउंट्स है, बाकी 40% फेक अकाउंट मीन्स लोग सिर्फ फेसबुक एड्स के लिए वो अकाउंट को ओपन करते हैं विदाउट प्रॉपर नेम डिटेल्स और फोटोज़। ठीक है, सेलिब्रिटी के फ़ोटोज़ डाल देते हैं, कार्टून के फ़ोटोज़ डाल देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए गाइस फेसबुक ने ये चीज़ स्टार्ट नहीं की है। फेसबुक इस तरीके से रन होता है कि जब भी आपका अकाउंट जो है डिजेबल्ड होता है और आपका मेन जो फेसबुक अकाउंट है वो भी अगर डिजेबल्ड होता है तो उसको वेरीफाई करने के लिए आपको जो है आपको सबसे पहले ही आपका जो फेसबुक अकाउंट है उस पे आपको आपका फ़ोटो, आप ही का फ़ोटो या फिर जिसके नाम से आप ऐड रन कर रहे हैं उसका फ़ोटो और उनकी करेक्ट डिटेल्स आपको डालनी होगी। और हो सके तो एटलीस्ट 5 फ्रेंड्स आपके कोई ऐड करके रखेगा, बिकॉज फेसबुक का एक वेरीफिकेशन प्रोसेस एक ऐसा भी होता है जहाँ पे जब आपकी कोई भी डिटेल्स कंफर्म नहीं होती है तो फेसबुक आपके कोई भी 5 फ्रेंड्स सेलेक्ट करता है और उन 5 को वो एक OTP एक कोड भेजता है जो कि 3 दिन या 5 दिन तक वैलिड रहता है उनके ईमेल पे, और जो कि वो आपको फेसबुक बोलता है कि ये एटलीस्ट 5 में से 3 लोगों के हम लोगों को कोड्स दो। ठीक है, तो वो आपको पूरा करना पड़ता है अपनी आइडेंटिटी को वैलिड करने के लिए, बिकॉज ये मोस्टली तब होगा जब आप कोई कार्टून या फिर किसी तरीके का सेलिब्रिटी का फ़ोटो डाल के बैठे अपने अकाउंट पे, क्योंकि फेसबुक ऑब्वियसली आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो गाइज सेकेंड पॉइंट होता है गाइज आपको आपका जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है उस पर आपका जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है आपको ऑन करना होता है, बिकॉज मोस्टली जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आते हैं उस पर वो ऑटोमेटिकली ऑफ रहता है, आपको सामने से उनको ऑन करना पड़ता है। इसको ऑन आप अपने मोबाइल ऐप से कर सकते हैं, बैंक के पर्सनली बैंक पे जाके कर सकते हैं या उनके कॉल सेंटर पे कॉल कीजिए हेल्पलाइन पे, इस तरीके से आप उनको ऑन कर सकते हैं। जब तक वो ऑन ना हो तब तक आप अपना जो पेमेंट डिटेल्स है वो सेव ना कीजिएगा फेसबुक एड्स पे। ठीक है, बिकॉज जैसे आप उसको सेव करते हैं तो फेसबुक कुछ ट्रांजेक्शन है वो जो एक्सचेंज करता है, ठीक है, वो आपको कुछ ट्रांजेक्शन भेजता है जो आपके अकाउंट पे क्रेडिट होते हैं, फिर आपको उनको कुछ बताना पड़ता है, ऐसा होता है गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं करो आपका अकाउंट डिजेबल भी हो सकता है, तो मेक श्योर कीजिए कि आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन हो, आपको जो स्क्रीन पे जब सम दिखा रहे हैं गाइस इस तरीके का। ठीक है, अभी गाइज देखिए गाइज इसमें थर्ड पॉइंट में होता यह है कि जब भी आप ऐड रन करते हैं, ठीक है, समझिए मेरा 1, 2, 3, 4 या 5 जितने भी ऐड मेरे चल रहे हैं उनका जो भी जो अमाउंट होता है जो जनरेट हुआ है, अमाउंट जनरेट मीन्स समझिए मेरा डेली बजट अगर 500 है, 100 है, जो भी है, ठीक है, 1000 है, 2000 है, 10000 है, ओके, जब तक एक आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक लिमिट होती है, लिमिट तक पहुँचते हैं
तो फिर आपका एड अकाउंट स्टॉप होता है, फिर आप उनको आपको उसको पे करना होता है। अगर फिर भी अगर आप लिमिट तक नहीं पहुंचते हैं तो उसमें होता ये है गाइस कि अगर आप उसको टाइम टू टाइम पे करते रहेंगे अपने अकाउंट से तो फिर वो आपका ट्रांजैक्शन बस स्मूथली रन करेगा, ठीक है। बिकॉज इसमें ऐसे हो ये भी हो सकता है कि अगर आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे बैलेंस या लिमिट नहीं हो और आपका ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो गया हो, और जब फेसबुक ऑटोमेटिकली जब वो डिटेक्ट करने जाएगा नहीं होगा तो आपका अकाउंट तुरंत बैन हो जाएगा फेसबुक एड्स का, और आप सेम कार्ड का भी यूज़ नहीं कर पाएंगे फेसबुक एड्स के लिए, ठीक है। तो गाइस जब भी आपका अकाउंट फेसबुक का जब डिजेबल हो जाता है तो उसके लिए आपको रिव्यू पे देना पड़ता है। ओके, तो मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि हम रिव्यू पे क्या लिखे, ऐसा कुछ तो लिखना चाहिए। तो इसके लिए हम आपको एक स्क्रिप्ट देंगे कमेंट में, आप चाहे तो सेम वो चीज़ को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने रिव्यू स्क्रिप्ट अपने रिव्यू पे, ठीक है। ओके, और बाय द वे बता दूँ ये स्क्रिप्ट मेरी नहीं है, ये मैंने भी किसी यूट्यूबर के वहाँ से लिया था, ठीक है। तो खुद क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ मैं। ओके, सो गाइस ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। आप फेसबुक ऐप जो रन करते हैं, ठीक है, उस पर फेसबुक आपको GST भी चार्ज करता है, मतलब एक टैक्स चार्ज करता है, भले वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो बट वो फिर भी आपको एक टैक्स चार्ज कर रहा है, ठीक है। अगर आपके पास GST नंबर है तो बहुत ही अच्छी बात है, वेल एंड गुड, आप उसको क्लेम कर सकते हैं गाइस। आपको सिर्फ इतना करना होगा, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये ऑप्शन, जब भी अपनी एड अकाउंट की डिटेल्स डालते हैं तो लास्ट में आपको सेकेंड लास्ट में ये जो है GST का ऑप्शन दिखता है जो ऑप्शनल है, आपका GST नंबर यहाँ पे आप डाल देंगे ना, तो जैसे कि अगर आपका 1,000 रुपीज़ का जो भी ट्रांजेक्शन होता है तो उस पर फेसबुक आपको एक्स्ट्रा चार्ज करता है, ठीक है, जो कि टैक्स होता है। वो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज जो आपको चार्ज कर रहा है ना, वो सारी की सारी चीज़ें आप जो है अपने GST में क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिए कि आपका GST नंबर वहाँ पे सेव हो, आपके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी ट्रांजेक्शन होते रहेंगे एड्स के लिए, उसके सारे GST जो भी आपको चार्ज हो रहा है वो आपको वापस मिल जाएगा। तो गाइस इस पॉइंट में गाइस होता ये है कि आपको बता देता हूँ कि अगर आपका जो अकाउंट बार बार डिजेबल हो रहा है, ठीक है, और आपको वीडियो खुद का भी क्रिएट करे, कुछ भी ऐसा क्रिएट कर रहे हैं तो, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि जब भी आप अकाउंट बनाते हैं और आपका अकाउंट बार बार डिजेबल हो रहा है, तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको नहीं करने हैं। सबसे पहले आपके सेम IP एड्रेस जो है आपके घर पे वाईफाई है या फिर आपका हॉटस्पॉट है या आप जो भी करें इंटरनेट कनेक्शन आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो मे बी आप एक VPN सर्वर से के थ्रू कनेक्ट करके कीजिए अपने, ऑब्वियसली सारे ब्राउज़र की कुकीज़ को सब कुछ डिलीट कीजिए। ये सब करने के बाद ही आप एक नया फेसबुक अकाउंट क्रिएट कीजिएगा, सेम IP से सेम डिटेल से। अगर आप वापस से सेम ब्राउज़र पे या डिफरेंट ब्राउज़र से ही सही, अगर आप नया अकाउंट बनाते हैं तो फेसबुक ऑब्वियसली वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये IP एड्रेस का ये अकाउंट बैन हुआ था, तो वापस से वो आपका वो अकाउंट डिजेबल कर देगा, वापस से करेगा, वापस से करेगा, करता रहेगा करता रहेगा, बिकॉज वो ऑटोमेटिक सिस्टम है गाइस, जो कोई मैनुअल नहीं है, कोई मैनुअली वो आपका नहीं कर रहा है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम कर रहा है, ठीक है। तो आप मेक श्योर कीजिएगा गाइस कि अगर आप फेसबुक एड स्मूथली रन करना चाहते हैं तो आपका कोई ओल्ड फोज सॉरी ओल्ड फेसबुक अकाउंट हो या फिर किसी का भी आपके किसी फैमिली मेम्बर का कोई भी अकाउंट हो जो यूज़ में ना हो, और पुराना होगा तो वेल एंड गुड, बिकॉज जितना ट्रस्ट बिल्ड फेसबुक पे होगा आपका उतना ही आपके बहुत कम चांसेस हो गए आपके अकाउंट डिजेबल्ड हो, और ऐसे में अगर डिजेबल्ड भी होता है तो ओल्ड अकाउंट्स पे बहुत जल्दी ही रिव्यू एक्सेप्ट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स है जो आप मेक श्योर कीजिए कि आप ज़रूर करें। ओके, और अगर आपका अकाउंट डिजेबल्ड होता है गाइस तो आप किसी फ्रेंड को बोल दीजिए, ओके, या किसी को भी बोल दीजिए जो आपके डिफरेंट ऑब्वियसली डिफरेंट IP में हो, वो आपको एक फर्स्ट एक फेसबुक अकाउंट क्रिएट करके दे, फिर नेक्स्ट डे पे आपको एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करके दे। तो ऐसे में अगर आप फिर डिटेल लॉग इन करेंगे तो कुछ फ़र्क को तो चल जाएगा, बट आप न्यू अकाउंट CMIP से ना क्रिएट कीजिएगा। ओके, तो गाइस ये 6 पॉइंट्स थे, अभी हम आपको कुछ फेसबुक की पॉलिसीज दिखाएंगे। ये गाइस ये जितने भी पॉलिसीज है गाइस, ये पॉलिसीज हमने आपको सब कमेंट पे डाल दिया, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, आप वहाँ से आराम से चेक कर सकते हैं। ये देखिए गाइस जब भी आपका ID के लिए आपका अकाउंट जो मांगता है उसका भी हमने आपको लिंक दिया है, ठीक है, जहाँ से आप सब कुछ चेक कर सकते हैं।
ओके सो अगर आप गाइस फेसबुक की एड पॉलिसीज को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, हम आपको ये लिंक भी दे देंगे जहाँ पे आप जो है आप इनके एक कुछ वीडियोस हैं, सब इनका प्रोसेस है आप पूरा चेक कर सकते हैं। इनका कोर्स है, सॉरी वीडियो नहीं है, कोर्स है, आप पूरा इनका कोर्स देख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा समझना हो तो। और ये ट्रबल शूटिंग है डिजेबल्ड अकाउंट, इसका भी हम आपको लिंक देंगे, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट डिजेबल हो जाए तो। ठीक है, तो खैर ये सारी चीज़ें हम आपको कमेंट पे दे देंगे, आप इसमें आराम से चेक कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में गाइज इतना ही। अगर आपको फिर भी कुछ हेल्प चाहिए फेसबुक के रिगार्डिंग, ओके कुछ भी आपको एड्स के बारे में पूछना हो तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।